हेलो बच्चों, नितिन के पाठशाला में आपका दोबारा स्वागत है। देखिए, हम जो इस वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ने लग रहे हैं वो है हमारा बीएससी फोर्थ सेम का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, राइट। ये आपके जो एनईपी से पहले के स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेबस है, आप देख सकते हैं सामने, दैट इज़ द फोर्थ सेम KUK, राइट। एंड देर आर टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड बी, राइट। जिनमें से अभी मैंने जो वीडियो लेक्चर्स डाले हैं वो केवल एक अमाइन का डाला है और एक हमने कवरअप किया है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। सो टू चैप्टर्स आर लेफ्ट, वन इज़ द इंफ्रारेड एंड सेकेंड वन इज़ द डाइजोनियम सोल। तो अब जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज चलाने वाले हैं, अब ये उसमें हम स्टडी करने वाले हैं डाइजोनियम सोल्ट को, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेबस है, आप सामने देख सकते हैं। द सिलेबस इन्वॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटाइजेशन, स्ट्रक्चर क्या है BDC की, रिप्लेसमेंट यानी कि प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं हम। तो एक छोटा सा चैप्टर है आपके पास, लेकिन सिंथेटिकली देखें हम इट इज़ क्वाइट यूजफुल, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में काफ़ी बार यूज होता है। तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं, किसी भी चैप्टर शुरू करने से पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस वो देख लेते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि सिलेबस में से कहाँ कहाँ से कोई क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए, डाइजोनियम सोल्ट इज द नेम ऑफ द चैप्टर जो हम स्टडी करने वाले हैं। हम 19-20 से लेकर लगभग 22-23 तक जितने भी KUK में कुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी कुक्षेत्रा से क्वेश्चन आए गए हैं, उन्हीं को हम इस सेक्शन में डील करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा रहे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो पेपर है दैट इज 2019 से 2020, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द व्हाट इज डाइएजोटाइजेशन एंड राइट इट्स मैकेनिज्म। तो साथ में आप पेपर पेन वगैरह अपने साथ रख के, ताकि साथ के साथ नोट करते रहें। तो डाइजोनियम सोल्ट, यू में से डाइएजोटाइजेशन इज द राइट वर्ड, डाइएजोटाइजेशन के बारे में और इसके मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, ओके। सेकंड वन, एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट्स आर मोर स्टेबल देन एलिफैटिक डाइजोनियम सोल्ट, एक्सप्लेन करें व्हाई, राइट। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द स्ट्रक्चर पार्ट, डाइजोनियम सोल्ट स्ट्रक्चर क्या है उससे पूछा गया है। नेक्स्ट वन, कन्वर्ट एरीन डाइजोनियम सोल्ट इनटू अराइल हाइड्राजीन, सो दिस पार्ट डील्स विद द प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन इज द पेड 135 ट्राई ब्रोमो बेंजीन फ्रॉम एनिलीन, राइट। सो एनिलीन से पहले डाइजोनियम सोल्ट बनेगा और डाइजोनियम सोल्ट से फिर 135 ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव कैसे बनते हैं वो पूछा गया है। तो इसको मैं, ये फिर से आपका एक तरह से केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आया, राइट। इजी से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे सिलेबस हम करेंगे कवरअप, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, प्रिपेयर ब्रोमो बेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट अगेन। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप सबको ये देखिए, ओके, इसको स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आपके पास तीन क्वेश्चन एक ही साल में आ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी से, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, ओके। एंड रिएक्शन में क्या है आपके पास, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन है, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, उसको बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से रिएक्शन करवानी है। तो आप देख सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कितनी है, कि आपके बार बार ये भी केमिकल प्रॉपर्टी से ही पूछ लिया गया। नेक्स्ट इज द फाइंड द रिएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट टू साइनोबेंजीन, राइट। सो अगेन, ओके, तो यहाँ देख सकते हैं 2019-20 में एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर से डाइएजोटाइजेशन का आया, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो दिस वाज द 2019-20 पेपर। नेक्स्ट इज द 2020-21,
राइट द ब्लूम स्ट्रैंड फॉर्मूला एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। यह आपका किससे डील कर रहा है, दैट इज डीलिंग विद द स्ट्रक्चर पार्ट। कल कर देते हैं हम, लेट्स सपोज दिस स्ट्रक्चर पार्ट से बात कर रहे हैं, और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, दिस फॉर्मूला एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म, राइट। तो ये समझ लीजिए, आपका यहाँ रख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि एक कौन सा क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ सेकंड वन, राइट द टू एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ ब्लूम स्ट्रैंड फॉर्मूला ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एविडेंसेस बताने हैं आपने, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है फिर से बेंजीन डाइजोनियम फॉर्मूला से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रेपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ डाइएजोटाइजेशन। सो डाइएजोटाइजेशन का कंसेप्ट फिर से रिमूव हुआ है, बट साथ ही में सिंथेसिस भी पूछ ली गई है कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाने के क्या सिंथेसिस है, एनी टू मेथड्स, राइट। नेक्स्ट वन, कन्वर्ट द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू आइडोबेंजीन एंड बेंजीन। तो दिस इज अगेन फ्रॉम द केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन, डिफाइन कपलिंग रिएक्शन, राइट कपलिंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद टर्शियरी अमीन। तो इसी के अंदर आपका फिर से केमिकल प्रॉपर्टी से आया है, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे मेंशन हम कर देते हैं, बाय नेम है थोड़ा। तो कपलिंग रिएक्शन आपके पूछ लिया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, राइट। सो नाइट्रोबेंजीन से पहले आपको डाइजोनियम क्लोराइड बनाना है, फिर डाइजोनियम क्लोराइड से आपको बनाना है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। सो दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द सेम, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन क्या होती है? सो सैंडवेयर रिएक्शन बाय नेम है तो इम्पोर्टेंट है। ओके, सैंडवेयर रिएक्शन पूछ ली गई है। नाउ दिस वाज द 2021 पेपर, राइट। नेक्स्ट पेपर इज द 21 से 22 सेशन। फर्स्ट वन, राइट द इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ BDC इनटू आइडोबेंजीन। सो अगेन ये दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टी कि बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से आपने बनाना है, इसको मैं और किसी कलर में रेड में कर देते हैं, आइडोबेंजीन बना के दिखाएं। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपन्स इफ टेम्परेचर राइजेज अबाउट 283 केल्विन इन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स। सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट, राइट द ब्लूम स्ट्रैंड फॉर्मूला ऑफ BDC प्रोवाइड एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस फॉर्मूला। सो दिस इज अगेन दिस वन ब्लूम स्ट्रैंड, यहाँ तक दैट फॉर्मूला हैज बीन रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर नाइट्रोबेंजीन एंड फिनोल। सो BDC से आपको ये दो बनाने हैं, सो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, सो नेक्स्ट रिएक्शन इज द क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द गेटमैन रिएक्शन, राइट। सो ये आपका आ गया गेटमैन रिएक्शन क्या है। ओके, गेटमैन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्वर्ट द नाइट्रोबेंजीन इनटू मेटा नाइट्रोफिनोल। सो नाइट्रोबेंजीन से अगेन पहले डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, डाइजोनियम सोल्ट से फिर ये, तो ये आपका फिर से रिपीट हो चुका है केमिकल प्रॉपर्टीज। लास्ट क्वेश्चन, नेम द कंपाउंड ऑब्टेंड बाय रिडक्शन ऑफ BDC, गिव द रिएक्शन सोर्स। सो इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द दिस वन, राइट। सो दिस वॉज द 2021-22 पेपर। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट, दैट इज द 2022
23 सेशन का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ बीडीसी विद टिन क्लोराइड एंड एससीएल। सो बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट से आपने बनाना है रिएक्शन करवानी है टिन एससीएल की रिडक्शन प्रोसेस। सो दिस इज अगेन केमिकल प्रॉपर्टी एंड लेट मी गिव दिस कलर पर्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूजिंग बीडीसी हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल। सो इसी के से ही डाइजोनियम सोल्ट से फिनोल कैसे बनाते हैं वो पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट द ब्लूम स्ट्रैंड फॉर्मूला एंड इट्स मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बीडीसी, गिव द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं ये लगातार पूछा ही रहा है, राइट। सो दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट, ब्लूम स्ट्रैंड फॉर्मूला एंड इट्स एविडेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द बीडीसी इन बेंजीन एंड आइडोबेंजीन। सो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ द दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसाइज मेटाब्रोमो टोलवीन फ्रॉम टोलवीन बाय इम्प्लॉइंग द यूज ऑफ बीडीसी। सो टोलवीन से पहले आपको बीडीसी बनाना है और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बन जाएगा उससे हमें फिर कन्वर्ट करना है किसमें, मेटाब्रोमो टोलवीन में। सो दैट इज अगेन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कपलिंग रिएक्शंस, राइट कपलिंग रिएक्शन ऑफ बीडीसी एंड फिनोल। सो कपलिंग रिएक्शन को रिपीट कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट वन, व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, राइट इट्स रिएक्शन ऑफ। सो सैंडमेयर रिएक्शन रिपीट हुई कंपैरेटिवली, राइट। सो दैट वाज द 2022 से 23 सेशन का कंप्लीट समरी। तो 19 से लेकर 23 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं के यूके के वो आपके सामने प्रेजेंटेड है, किस किस टॉपिक से आए हैं तो देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर से काफ़ी बार पूछा गया है, ब्लूम स्ट्रैंड फॉर्मूला ये तो हर साल पूछ ही रहे हैं लगातार, राइट। डाइएजोटाइजेशन के बारे में पूछा गया है कि व्हाट डज इट मीन एंड डाइएजोटाइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, राइट। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं वो आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, बिकॉज डाइजोनियम सोल्ट इज यूज टू प्रिपेयर द सेवरल क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपके पास फिनोल बनाना है, एनिलीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन, साइनोबेंजीन एटसेट्रा एनीथिंग, तो वो सब हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्टिव कंपाउंड्स, राइट। साथ ही में कपलिंग रिएक्शन, सैंडबेयर, गैटरमैन रिएक्शन, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सो दिस इज फॉर टिल नाउ, दिस वॉज द समरी ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब जो हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जैसे जैसे सिलेबस कवर अप करेंगे तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन क्या हुआ है और कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, ताकि आप बेटर समझ सकें, राइट। सो स्टे इन टच, ठीक है, पढ़ते रहें, अपना पढ़ाई जारी रखें, ठीक है। ये हम वीडियो लेक्चर में ये सिलेबस भी इस चैप्टर का ख़त्म कर देंगे, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों। इफ़ एनी स्टूडेंट इज़ हैविंग एनी डाउट, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन, आप कुछ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बाकी स्टे रीडिंग, कीप रीडिंग, राइट। सो गुड नाइट, जय हिंद बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।